हैंड प्राइमिंग, हाथ से पंप करना। आप जानते हैं कि गाड़ी में हाथ से पंप के लिए हैंड प्राइमिंग होती है, तो क्या हैंड प्राइमिंग करने से आपका पंप खराब हो सकता है? आज की वीडियो का टॉपिक यही है। कौन सा ऐसा पंप है जिसमें हैंड प्राइमिंग करने से खराब होने का खतरा कम रहता है, कौन सा ऐसा पंप है जिसमें हैंड प्राइमिंग करने से खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है, और ज्यादा रहता है तो क्यों रहता है, क्यों खराब होता है हैंड प्राइमिंग करने से, यही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी तरह के पंप है मेनली जो आते हैं। एक पहले जो आता था वो पंप आता था आपका इनलाइन फ्यूल पंप, इनलाइन इंजेक्शन फ्यूल पंप कह लीजिए। इसमें क्या होता था, इसकी पहचान आप इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले पहचान जान लेते हैं कि इसमें जो चार आपको लिखेंगे पाइपलाइन दिखेंगे वो एक लाइन में होंगी, लाइन मतलब एक लाइन में होंगी ऐसे ऊपर ऊपर की ओर निकली हुई। दूसरा जो आता है वो आता है आपका रोटरी पंप, उसको रोटरी पंप भी बोल देते हैं, रोटरी पंप उसका सही उच्चारण होता है वैसे। रोटरी पंप इसलिए होता है क्योंकि उसमें रोटेटिंग मोशन में पिस्टन घूमता रहता है और उसके द्वारा आपका डीजल जो है वो भेजा जाता है प्रत्येक सिलेंडर को अलग अलग टाइम पे, इसलिए उसका नाम रोटरी पड़ा। तो रोटरी में क्या है, ऊपर की ओर नहीं साइड में आगे पीछे करके ऐसे साइड में चार दिए होते हैं डिलीवरी पाइपलाइन कह लीजिए, फ्यूल की डीजल की पाइपलाइन के लिए, जो कि जाके आगे इंजेक्टर में जुड़ते हैं। ये तो हो गई इनकी पहचान। अब बात करते हैं कि कौन से पंप में कैसे खतरा बना रहता है और कौन से में कम होता है और कौन से में ज्यादा रहता है। तो कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं, आप पता है कि आपके फ्यूल सिस्टम में हवा चली गई तो आपको हैंड प्राइमिंग करना ही है, डीजल फिल्टर करा आपने हैंड प्राइमिंग करना ही है। कई बार सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती फिर भी आपको हैंड प्राइमिंग करना पड़ता है ताकि आप डीजल को जल्दी सिलेंडर में भेज सके। लेकिन इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए और कौन से पंप में आपको अवॉइड करना चाहिए वो जान लेते हैं। तो देखिए, जब आप इनलाइन फ्यूल पंप की पहले बात करें, जब आप इनलाइन फ्यूल पंप में हैंड प्राइमिंग करते हो तो इनलाइन फ्यूल पंप में क्या होता है, आपके चार अगर सिलेंडर इंजन है तो आपके चार प्लंजर होते हैं और ये प्लंजर ऊपर की ओर इस पे स्प्रिंग लगा होता है और नीचे की ओर ये कैमशाफ्ट से जुड़े होते हैं। कैमशाफ्ट क्या करती है, उसमें थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन रहता है तो जैसे ही कैमशाफ्ट घूमती है तो पिस्टन को ऊपर दबाती है और फिर वो स्प्रिंग नीचे दबाता है। तो मतलब आपका जो प्लंजर है वो ऐसे 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 करके ऊपर नीचे होता रहता है और ऊपर नीचे होने से ऐसे तो वो ऊपर जाता है तो प्रेशराइज करता है, जब नीचे आता है तो प्रेशर कम होता है। तो इस तरह से वो काम करता है। चार सिलेंडर है तो चार प्लंजर होंगे, छह सिलेंडर है तो छह प्लंजर होंगे। इस तरह से इसका सिद्धांत होता है। तो इसमें ये कह सकते हो कि एक प्लंजर के ऊपर एक सिलेंडर में भेजने की जिम्मेदारी रहती है इंडिविजुअल। अब मान लीजिए कि आप हैंड प्राइमिंग करते हो, अब खतरा ये होता है कि जब आप हैंड प्राइमिंग करते हो तो आपके डीजल में आपके फ्यूल पाइपलाइन में कुछ जंग के पार्टिकल होते हैं, कुछ लोहे के पार्टिकल होते हैं, कुछ धूल के पार्टिकल होते हैं। तो जब आप हैंड प्राइमिंग करते हो तो ये पार्टिकल क्या है, प्रेशर से ऊपर चले जाते हैं। अब इसमें अगर इनलाइन वाले में जाएंगे तो मान लो एक प्लंजर में चले गए तो उसी प्लंजर में जाके वो प्लंजर ऊपर भेज देगा उसको और वो सिलेंडर से होके फिर एग्जॉस्ट में निकल जाएगा। इसमें तो ये होता है। तो इसमें अगर एक नंबर पे वो चला गया तो वो दूसरे तीसरे चौथे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सीधा आगे पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम रोटरी पंप में करते हो तो रोटरी पंप में क्या होता है, एक ही पिस्टन होता है जो कि लगातार घूमता रहता है, जिसके द्वारा चारों सिलेंडर को फ्यूल सप्लाई किया जाता है या डीजल सप्लाई किया जाता है। और दूसरे भी इसमें इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें ज्यादा रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं और इसमें जो क्लियरेंस होता है एक दूसरे के बीच में जो गैप होता है वो भी बहुत कम होता है। इसमें रगड़ रगड़ के ज्यादा पार्ट्स चलते हैं एक दूसरे से। अब चूंकि पार्ट्स ज्यादा रगड़ रगड़ के चलेंगे तो अगर इसमें एक छोटा सा बारीक एक धूल का कण भी जाएगा तो वो भी जो सरफेस होती है ना वो एक बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल चिकनी, तो अगर वो बीच से रगड़ के जाएगा तो वो उसमें स्क्रैच मार देगा सरफेस में। और लोहे का अगर होगा, जंग का पार्टिकल होगा तो सोचो वो कैसा काम करेगा, वो इसी तरह से किसी तरह काम करेगा जैसे आपके आंख में कोई लोहे का छोटा सा पार्टिकल गिर जाए तो कैसे रिएक्ट करता है, ऐसे ही वो आपके पंप के अंदर रिएक्ट करेगा। बिल्कुल स्मूथ सरफेस जो होती है उसको पूरा स्क्रैच कर देगा और स्क्रैच करने से क्या है, उसमें जब वो पार्ट्स उसमें आपस में रगड़ के चलेंगे तो उसमें एक तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, दूसरा उसमें आपका डीजल भी लीक होने के चांस बने रहते हैं क्योंकि क्लियरेंस बहुत कम होता है। स्क्रैच होने से क्या है, वो अनइवन हो जाएगा स्क्रैच सरफेस और उससे आपका डीजल लीक होने का खतरा बना रहेगा सही मात्रा में। बहुत बारीक बारीक चीज होती है ये जो बड़े मायने रखती है आपके फ्यूल पंप के अंदर। तो इस तरह से आपका जो पंप के जो रोटरी पंप के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, अंदर के जो कलपुर्जे हैं, वो खराब हो जाएंगे अगर आप हैंड प्राइमिंग करोगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब अगर आपके गाड़ी में रोटरी पंप है तो जब आप प्राइमिंग करते हो
हवा निकालने के लिए अगर आप प्राइमिंग कर रहे हो, आपका सिस्टम ले गया तब तो ठीक है, क्योंकि आप तब फ्यूल पंप से इनलेट पाइप निकाल लीजिए, जहां से फ्यूल पंप में पाया जा रहा है उसको निकाल लीजिए और पंप कर सकते हैं, ताकि वो सारा कचरा आपका बाहर निकल जाए या सारा डीजल आपका बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आप इनलेट वाला पाइप लगा के किसी दूसरे कारण से हैंड प्राइमिंग कर रहे हो तो वो आपको रोटरी वाले पंप में अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपका पंप जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। ये आज की वीडियो का मेरा टॉपिक था। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से पंप में आप हैंड प्राइमिंग कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो, और किस में आपको अवॉइड करना चाहिए, कैसे ये आपके आपके पंप को खराब कर सकता है, ये आज की वीडियो में हमने जानने की कोशिश की। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी आपको कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बताएं। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।